क्या रमजान की कोई तैयारी हो रही है? कई लोगों को हमने देखा है रमजान के रोजों में बड़े निढाल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है वो पूरा साल नफली रोजे रखते ही नहीं। रमजान से पहले नमाजों की पाबंदी, रमजान से पहले तिलावत शुरू, गुनाह छोड़ दिए, बुरी आदतें खत्म कर दी, बंदा साफ सुथरा हो गया कि यार रमजान आने वाला है, मुझे इस्तकबाल करना है। आपके घर में जब कोई मेहमान आने वाला होता है उसका वेलकम करते हैं ना, इंतजार करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और जितना प्यारा मेहमान, जितना मुअज्जज मेहमान, उतनी तैयारी होती है। ऐसा मेहमान जो साल में एक बार बड़ी मेहरबानी करने वाला, जब भी आता है बड़े तोहफे देकर जाता है, उसके लिए तो बंदा घर सजाता है। तो हमने कोई दिल सजाया, कोई जहन सजाया, कोई तैयारी की कि अल्लाह की तरफ से इतना प्यारा महीना आने वाला है, क्या ही अच्छा हो घर की सिर्फ सफाई इस नीयत से हो कि माहे रमजान आने वाला है। मैंने कुछ लिबास तैयार कर लिए, धुलवा के तैयार कर लिए, तरावी पढ़ूंगा, इसमें इबादत करूंगा। ये बुजुर्गों का तरीका रहा कि उन्होंने इबादत के लिए बेहतरीन लिबास अलग रखे होते थे। बल्कि मशवरा दूंगा जिनको अल्लाह ने नवाजा है और जो मुझे लाइव भी सुन रहे हैं, रमजान की इबादत के लिए कुछ नए कपड़े सिलवा लो। हैं, शादी के लिए सिलवाते हैं, मेहंदी के लिए सिलवाते हैं, बर्थडे के लिए सिलवाते हैं। ये इस्तकबाल है ना कि इबादत का महीना आ रहा है, मैं इंशाल्लाह नमाज पढ़ूंगा नए कपड़े पहने।